सो चैप्टर नंबर 5 है हमारा जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है। सो जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, तो पहले इस चीज़ को समझते हैं कि जो चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो लिखा हुआ है जीवन। अब जीवन का मतलब क्या होता है, यानी ऐसा चक्र जहाँ पर कोई जन्म ले, बड़ा हो और अंत में मर जाए, जहाँ भी ये सब चीज़ें होती हैं, यानी वो क्या किसका हिस्सा है जीवन का। मौलिक मतलब होता है जो सबसे ज़रूरी है जीवन की परिभाषा को देने के लिए। मौलिक मतलब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, यानी उसके बिना जीवन को हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते। तो मौलिक मतलब होता है सबसे ज़रूरी। इकाई मतलब होता है एक। तो अगर इकाई मतलब होता है एक, तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ पूरा आपके चैप्टर को, तो बोलते तो इसका मतलब हुआ कि किसी की जीवन के लिए सबसे ज़रूरी वो एक चीज़ क्या है। जीवन के लिए किसी भी कहीं भी जीवन के लिए वो सबसे ज़रूरी एक चीज़, ठीक है, एक वो ज़रूरी एक चीज़ क्या है। तो नॉर्मली आप लोग इस चैप्टर के लिए लोग क्या क्या करते हैं नॉर्मली, कि अच्छा जीवन की मौलिक है यानी कोशिका कहेंगे, किसी तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग ही वे में लेके चलूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अब आगे चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको इसके पहला वाला जो चैप्टर था यानी परमाणु वाला, अब इसको अब थोड़ा ध्यान समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। परमाणु वाला जो चैप्टर मैंने आप लोग को करवाया था, तो उसमें मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई थी कि परमाणु कहाँ पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे आसपास जो भी पदार्थ हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है, या फिर पदार्थ क्या होते थे, तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हम देख सकते हैं, या फिर जिनका कुछ आकार होता है, या फिर जो भी आसपास की कोई जगह घेरते हैं, जिनका कोई कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उनका कुछ आयतन होता है, या फिर ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख नहीं सकते या महसूस कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। लेकिन हमारे आसपास तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका स्वरूप आज से जब मैं छोटा था तब भी वैसा था, मैं बड़ा हो गया हूँ अभी वैसा ही है, तो उन्हें हम लोग आसान भाषा में कहते हैं निर्जीव। और कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे बचपन के समय में कुछ अलग थी, स्वरूप अलग था, मैं बड़ा हुआ उनका कुछ स्वरूप अलग हो गया। जैसे कि अगर मैंने बचपन में किसी छोटे पौधे को लगाया हो ज़मीन में, तो जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे वैसे उसका भी स्वरूप बदल गया। लेकिन अगर बचपन में मैंने अगर किसी एक बिल्डिंग को देखा हुआ से 10 साल पहले, आज मैं दस साल बड़ा हो गया हूँ, लेकिन आज भी बिल्डिंग का आकार वैसा ही है, तो उसका स्वरूप नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमारी पृथ्वी पर दो चीज़ें हैं, तो पदार्थ में दो ही चीज़ें आती हैं, एक होती सजीव, एक होती निर्जीव। सजीव में वो चीज़ें आएंगी जिनका कुछ ना कुछ जन्म होगा, समय के साथ उनका आकार बदलेगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगी। निर्जीव में क्या थी कि जिनका जो भी आकार है वो फिक्स है, यानी वो समान है, अचल है। अचल मतलब होता है जो एक समान, जो आज से 10 साल पहले भी थी, आज से 10 साल बाद भी वैसी रहेंगी। तो मैं आसान भाषा में कहूँ तो पूरे जीवन हमारे पूरी पृथ्वी पर मैं हमारे पदार्थ को दो भागों में बांट सकता हूँ, एक होगा मेरा सजीव पदार्थ, एक होगा मेरा निर्जीव पदार्थ। अब वापस आ जाइए चैप्टर नंबर 5 पर। अब हमें क्या करना है कि जो सजीव हैं, ठीक है, सजीव भी होते हैं, तो सजीव को भी मैं दो भागों में बांट सकता हूँ। सजीव में दो भाग कौन कौन से होंगे? सजीव में दो भाग एक मेरे होंगे, यानी एक आएगा मेरा पशु जगत, एक आएगा मेरे मानव जगत में, ठीक है। एक होगा पशु जगत, एक होगा मेरे पौधा जगत, या फिर जिसे पादप जगत भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपके बुक में आपको चैप्टर नंबर 6 में मिले, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा समझा रहा ताकि आपको क्लियरिटी रहे। जगत को मैं दो भागों में बांट सकता हूँ, एक होगा मेरा पशु जगत, एक होगा पादप जगत। एक चीज़ आपको याद रखना है कि इंसान पशु जगत में आते हैं, ठीक है। पादप मतलब होता है पौधे, यानी जिन्हें हम पेड़ कहते हैं। तो सजीव जगत दो भागों में बटेंगे, पशु जगत और पौधे जगत। दूसरी चीज, पादप जगत में जितने भी पौधे आए हैं, वो चाहे वो छोटी सी काई क्यों ना हो, पानी में उगने वाली छोटी सी घास हो, समुद्र में उगने वाली घास हो, या सबसे बड़ा 351 फीट का अनावृत, सबसे बड़ा जो पौधा है इस पृथ्वी पर अनावृत बीज वाला, जिसकी ऊंचाई 351 फीट होती है, ठीक है, उसका नाम होता है सिकोया सेम्परविरेंस, ठीक है, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 351 फीट का होता है लगभग, ठीक है। कोई पूछ ले कि सबसे बड़ा अनावृत बीज वाला पौधा कौन सा है, तो उसका नाम होता है सिकोया सेम्परविरेंस, ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है सिकोया सेम्परविरेंस, ठीक है।
इसकी ऊंचाई कितनी होती है तो होती है तो 351 फीट। तो कहने का मतलब है कि पादप जगत में छोटे से छोटे पौधा भी आएगा और सबसे बड़ा बड़ा सबसे बड़े में बड़ा 351 फीट का सिकोया सेम्परवेरेंस नाम का पौधा भी आएगा, ठीक है। दूसरी तरफ पशु जगत में भी, या जिसे जंतु जगत भी कहते हैं, ठीक है, पशु जगत और जंतु जगत एक ही है, ठीक है। तो जंतु जगत में इंसान भी आ गए और जितने भी आपको जानवर दिख रहे हैं, जितने भी जानवर हो, चाहे छोटे से चाहे वो छोटे से छोटी आपकी चींटी हो, चाहे आपके वायरस हो, चाहे वो आपके बैक्टीरिया हो, चाहे वो आपके कवक हो, चाहे आपके बड़े से बड़ा जिराफ हो, या समुद्र में रहने वाली मछली हो, या ब्लू व्हेल, जितने भी जीव हैं, चाहे वो समुद्र में रहते हो, चाहे वो ज़मीन पर रहते हो, चाहे वो समुद्र और ज़मीन दोनों पर रहते हो, ठीक है, चाहे वो घर बना के रहते हो, चाहे वो जंगलों में रहते हो, जितने भी जीव हैं वो सभी आएंगे जंतु जगत। और जितने भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जितने भी पेड़ पौधे, वो घास है, काई है, कुछ भी है, वो सभी आएंगे मेरे पादप जगत में, ठीक है। तो अब बात ये होती है कि सजीवों को भी, जिस तरह से मैंने सजीवों को दो भागों में बांटा, पशु जगत और पादप जगत, यानी मैं जंतु जगत बोलता हूँ, ठीक है, पशु जगत को आपकी किताब में ना जंतु जगत लिखा मिलेगा। तो सजीवों को दो भागों में बांटा, जंतु जगत, पादप जगत। तो ये जो सजीव है, जिन्हें हम लोग जिन्हें मैंने दो भागों में बांटा, तो हो सकता है कि जिस तरह से मैंने बोला कि किसी भी पदार्थ की जो सूक्ष्मतम, अगर आपको परमाणु वाला चैप्टर याद हो तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जितने भी पदार्थ होते हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, ठीक है, यहाँ पे मैं निर्जीव की बात लेकर चल रहा हूँ कि जितने भी पदार्थ निर्जीव पदार्थ होते हैं उनकी जो सूक्ष्मतम इकाई होती है वो होती है परमाणु। यानी जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं वो छोटे से छोटे एक सूक्ष्मतम कण से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें मैं बोलता हूँ परमाणु। फिर बहुत एक से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाएंगे, फिर ठीक है, फिर वो जब अणु स्वरूप में होते हैं तभी उन्हें हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। उसी तरह से जब मैं सजीवों में बात कर रहा हूँ, पादप जगत और जंतु जगत में, तो हमारे जो सजीव हैं ना वो भी एक सूक्ष्मतम इकाई कणों से मिलकर बने हैं। उस वह सूक्ष्मतम जो सबसे सूक्ष्म कण, या सूक्ष्म मतलब सबसे छोटी से छोटी जो एक इकाई है जिससे कोई भी सजीव बन के तैयार होता है, उसे हम लोग कहते हैं कोशिका, ठीक है। क्या कहते हैं? कोशिका, जिसे इंग्लिश में लिखते हैं सेल, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जितने भी सजीव हैं वो सबसे छोटे, किसी भी जीव की सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है? कोशिका। यानी जितने भी सजीव हों, चाहे वो जंतु जगत में आते हों चाहे पादप जगत में, सभी जो उन सभी की जो सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या है? कोशिका। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है, मैं बहुत बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि अभी जो कोशिका जो है, ठीक है, लेकिन इसकी खोज कैसे हुई, ठीक है, तो अब उसको ज़रा किताब वाले में देख लेते हैं कि किताब में क्या लिखा गया इसके बारे में। तो कॉर्क की कार्क से, ठीक है, कई लोग कई जगह पे इस पर कॉर्क भी लिखा रहता है या कार्क भी समझ लीजिए, ठीक है, तो कहीं भी लिखा है आपको उससे समझाना, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कार्क की जो पतली काट का मतलब होता है, जैसे कि अगर मेरे पास एक छिलका हो, छिलके का समझ लीजिए, जैसे कि मान लो आपके पास एक पत्ती है, आपने किसी पेड़ की आपने पत्ती तोड़ के लाई, तो आप देखें कि उसका जो उसकी जो चौड़ाई होती है ना बहुत ही पतली होती है, ठीक है। या फिर अगर आपने कभी देखा हो कि अगर आपने कभी घर पे प्याज काटा हो ना, तो प्याज भी क्या होती है, एक अलग अलग एक के नीचे एक, एक के नीचे एक परत में ना बटी हुई होती है। तो कभी अगर ध्यान से देखें ना, तो उस परत में भी ना एक पतली सी आपको एक छोटी सी परत निकलेगी जो पारदर्शी होती है, हल्की सी धुंधली जैसी लगती है लेकिन वो बहुत ही पतली होती है। तो वही पतली काट का मतलब होता है कि बहुत ही पतली परत किसी भी चीज़ की। तो कॉर्क की, यहाँ पर कॉर्क एक पदार्थ होता है जो कि पेड़ों की छालों पर पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉर्क एक पदार्थ है, तो उसी कॉर्क के पदार्थ, तो उसी पदार्थ की छोटी सी परत, यानी एक बहुत ही पतली सी परत है के अवलोकन, यानी जब उसको समझा गया, किसने समझा, तो रॉबर्ट हुक ने। तो उन्होंने पाया कि उनके अंदर जब उसको अच्छे से सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा गया, तो उन्होंने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ मतलब होता है एक छोटे छोटे आकार के, जैसे अगर मधुमक्खी का छत्ता देखा हो तो वो कुछ इस तरह से एक के नीचे एक कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है, फिर ऐसे, यानी एक प्रकार की निश्चित आकृति, एक के ऊपर एक, ठीक है, फिर यहाँ पे साइड में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो उन्होंने एक प्रकोष्ठ मतलब होता है एक बंद आकृति, ठीक है, एक प्रकोष्ठ मतलब एक छोटे छोटे, उन्होंने देखा कि इस तरह से छोटे छोटे एक बंद आकृति थी जिसे उन्होंने प्रकोष्ठ कहा, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कॉर्क एक पदार्थ है जो कि वृक्ष के छालों से प्राप्त होता है। तो पहला क्वेश्चन, कॉर्क क्या है, तो कॉर्क एक पदार्थ है जो कहाँ पाया जाता है, तो वृक्ष के छालों पे। 1665 में रॉबर्ट हुक नामक जो विज्ञान थे, उन्होंने स्वनिर्मित का मतलब होता है खुद से बनाया हूँ, ये सूक्ष्मदर्शी जो उन्होंने बनाया था वो खुद से ही बनाया था उन्होंने। उन्होंने जब उस स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा, तो रॉबर्ट हुक ने ये पाया कि, तो उन्होंने क्या किया, वो जो सूक्ष्म जो आप उन्होंने जो छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखे थे उस पतली सी छाल के अंदर, ठीक है, हो सकता है अगले आने वाले कुछ वीडियो में, या फिर हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपको एक सेम ऐसे आपको मैं दिखाऊंगा भी, मैं हो सकता है मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं
प्याज के अंदर की जो पतली परत होती है मैं आपको उसका दिखाऊं, और ट्राई करूंगा कि मैं अगले ही वीडियो में दिखाऊं उसको, ठीक है। तो इस तरह से जो उन्होंने उस कॉर्क नामक पदार्थ की जो नामक जो पदार्थ था उसकी पतली काट में जो उन्होंने छोटे छोटे जो प्रकोष्ठ जैसी रचनाएँ देखी थी, इसी को उन्होंने क्या कहा, तो कोशिका कहा, ठीक है। सबसे दो क्वेश्चन यहाँ है कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। किसकी किस चीज़ से उन्होंने कोशिका की खोज की, तो कॉर्क नामक एक पदार्थ पे जो कि वृक्ष की छालों में पाया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कोशिका किसने कहा, तो रॉबर्ट हुक ने कहा, ठीक है। तो यहाँ पे चार पांच क्वेश्चन